प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी हमारी प्यार से गुजरे, लेकिन देखते हैं कि ज़िंदगी में तनाव, मुश्किलें, ये लगता है कि हर समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये ज़िंदगी जो पिता परमेश्वर ने हमें दी है खुशियों से जीने के लिए, आनंद की अवस्था में जाने के लिए, वो लगता है कि रोज़ की ज़िंदगी जीते जीते शायद ये मुमकिन ना हो कि हम आनंद की, जिसकी हम महापुरुषों के लफ्ज़ों में सुनते हैं, अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, कि उस अवस्था को हम पा सकेंगे। हर रोज़ ज़िंदगी में वो घट जाता है जो हमारे समझ के दायरे से बाहर है, फिर हम घबरा जाते हैं। चाहे एक दिन खुशी का माहौल हो, लगता है दूसरे दिन कुछ ना कुछ उस माहौल को तोड़ देता है। तो ज़िंदगी को हम समझें कैसे? बार बार जब असलियत की जानकारी पाने की कोशिश करते हैं तो समझाया तो यही जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। उस आत्मा का अनुभव इंसान कैसे करे? और ये जो एक सुनहरा मौका पिता परमेश्वर ने हमें दिया है सदा सदा के सुख चैन की अवस्था में पहुंचने के लिए, इस मौके का हम फायदा उठाएं कैसे? बार बार हमें यही समझाया जाता है कि ये नर न रहने दे, ये शरीर जो हमें मिला है इसमें ही हम असलियत की जानकारी पा सकते हैं और इसी में हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एकमेक हो सकते हैं। कि खुशियाँ सब प्रभु से मिलती हैं और जो प्रभु में लीन हो गया वो फिर सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी पा गया। तो इस ज़िंदगी में जबकि हमें वो सब दिया गया है जिसके ज़रिए हम मोक्ष की अवस्था में पहुंच सकते हैं, वो सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी पा सकते हैं, तो हम वहाँ पहुँचते क्यों नहीं? क्या चीज़ है जो हमें रुकावट देती है? अब एक तरफ तो ये समझाया जाता है कि रूहानियत बहुत आसान है, प्रभु हैं, उन्होंने सृष्टि रची, अपने अंशों को अपने आप से अलग किया, आत्मा परमात्मा का अंश है और इस नर नारायणी देह शरीर में आने का मौका दे दिया, क्योंकि इसमें आत्मा बस रही, परमात्मा बस रहे हैं, उन दोनों ने मिलना है। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आत्मा है, परमात्मा है, उनने मिलना है। वह हालत कुछ ऐसी है कि अगर दो सिटीज़ हों और एक से दूसरे में जाना हो, बीच में पहाड़ हो, तो फिर जब एक से दूसरी तरफ जाते हैं, पहाड़ की जो सड़कें होती हैं उनको पार करके हमें बड़े ध्यान से जाना पड़ता है, क्योंकि सड़कें स्लिपरी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, एक तरफ खाई भी होती है, कोई पत्थर आके गिर भी सकता है क्योंकि पहाड़ है। तो इस शरीर में जिसमें कि आत्मा और परमात्मा है, एक मन का पहाड़ बीच में खड़ा है,
जिसको पार करना इतना आसान नहीं, जहाँ तरह तरह की तकलीफ़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, पत्थर के बोझ के नीचे दब जाते हैं, और वो अवस्था जो कि हर पल हमारे अंग संग होनी चाहिए, उस अवस्था तक हम पहुंचते नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा है, एक शेर के ज़रिए, ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसी हो गई है, और फिर अगर समझ में आए कि होना क्या चाहिए और हो क्या गया है, तो फिर हम जो होना चाहिए उस और कदम बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में यहाँ फरमा रहे हैं, और फरमा रहे हैं कि कोई मिले तो पूछ लें, कोई मिले तो पूछ लें, मौसमे गुल तो है मगर। फरमा रहे हैं कि मौसम तो बसंत का है, फूल खिल रहे हैं, खुशबू ही खुशबू है, हवा भी मन मन चल रही है, और स्प्रिंग टाइम जब आता है तो पतझड़ ख़त्म हो गया, विंटर ख़त्म हो रही है, और चीज़ें फिर नई उगनी शुरू हो रही हैं, कि बसंत की ऋतु तो है, बगीचे में फूल भी खिलने जा रहे हैं, उनकी सुगंध भी मनमंद है, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो पूर्व कह रहे हैं कि कोई मिले तो पूछ लें, मौसम गुल तो है मगर, कि मौसम तो बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, पिता परमेश्वर ने यहाँ इस शरीर में हमें भेजा, इस धरती पर हमें भेजा, और हमारी आत्मा जो 84 लाख जिया जून में भटक रही थी, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया है, कि वो हमारी आत्मा के लिए अंधेरी रात थी, क्योंकि किसी और योनि में हम ना तो अपने आप को जान सकते हैं, ना पिता परमेश्वर में लीन हो सकते हैं। तो किसी भी और योनि में हम सदा सदा का सुख चैन पा नहीं सकते, इसीलिए उसको कहा कि ये हमारी आत्मा की बहुत अंधेरी रात है, कि हम प्रभु से अलग हैं, वो सदा सदा का सुख चैन पा नहीं सकते। तो प्रभु ने दया की, कृपा की, हमें मानव चोला दे दिया, इस धरती पर भेज दिया, और हमें वो मौका दे दिया जो स्प्रिंग टाइम का है। सर्दी दूर हो गई, ठंड में जबकि पतझड़ हो जाता है, पत्ते गिर जाते हैं, सब जगह हलचल हलचल रहती है, शांत इंसान हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती, कि वो समय हट गया, अब बसंत ऋतु आ गई है, कि इस अवस्था में प्रभु ने हमें भेज दिया, तो वो तो बड़ी खुशी है कि हम यहाँ पे पहुँच गए। पर फरमा रहे हैं कि कोई मिले तो पूछ लें, मौसम गुल तो है मगर, कि एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है जहाँ हमें पहुँचा दिया गया है, मगर अगली लाइन में बता रहे हैं कि यहाँ पहुँच के हुआ क्या। प्रभु ने तो हमें भेजा यहाँ अपने आप को जानने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु ने भेजा एक मौका देकर कि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, और खुशियां और आनंद की ज़िंदगी हमारे अंग संग हो, मगर हुआ क्या है। तो फरमा रहे हैं कोई मिले तो पूछ लें, मौसम गुल तो है मगर, गर्दे खिसा पड़ी है क्यों।
आईन है बहार पर, एक गर्दे खिजां पड़ी है क्यों आईना है बहार पर। वो कह रहे हैं जो बहार का मौसम है, ये जो स्प्रिंग टाइम है, इसके ऊपर अभी भी क्यों पतझड़ का मौसम चढ़ा हुआ है। ये तो बसंत की ऋतु है जो कि खुशियों से भरपूर है, तो इसमें तकलीफें हैं क्यों? कि कोई अनुभवी मिले जिसको इसकी जानकारी हो तो उससे हम पूछें कि प्रभु ने हमें यहाँ भेज दिया, यहाँ पर तो बसंत का मौसम होना चाहिए, हर एक चीज़ सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, खुशियों से भरपूर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भेजकर भी हमें तकलीफ ही होती है। यहाँ भेजकर भी हम उस अवस्था को पाते क्यों नहीं? यहाँ पहुँचकर जहाँ सारी खुशियाँ हमें मिल सकती हैं, हम उन खुशियों को अपनी ज़िंदगी के अंग संग क्यों नहीं कर पाते? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस शेर के ज़रिए हमारा ध्यान उस ओर किया है जिस ओर जब हम ध्यान करेंगे तो हम इस धरती पर कैसे अपने आप को हर समय बसंत ऋतु के एटमॉस्फेयर में पा सकें, ऐसी हमारी ज़िंदगी हो। एटमॉस्फेयर है, चीज़ें भी हैं, खुशियाँ आनंद मिल भी सकता है, लेकिन हम उसे पाते क्यों नहीं? अगर हम अपनी ओर देखें तो हम देखते हैं कि इस धरती पर कई महापुरुष आए हैं, बार बार आए हैं, और उनकी टीचिंग्स हमारे अंग संग है। उन महापुरुषों ने अपने अनुभव पिता परमेश्वर के साथ उन भाई बहनों को बताया जो उस समय जीवित थे। अब वो अनुभव जो हमें असलियत को दर्शाते हैं, वो अनुभव जिसमें कि जो असलियत है उसके साथ जुड़कर हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, वो अनुभव आस्ते आस्ते जैसे वो महापुरुष इस धरती को छोड़कर शारीरिक रूप से गए, तो उनके बाद वो अनुभव कम होने शुरू हो गए। असलियत क्या है वो छिपती चली गई, और ये धरती जो कि माया की दुनिया है उसके जाल में हम सब फंसने शुरू हो गए। इस धरती पर बहुत सी अट्रैक्शंस हैं जो कि काल ने की हुई हैं ताकि उनमें हम धस जाएं। इस धरती पर हमें पिता परमेश्वर से दूर रखने के लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर, सबके अंदर अहंकार उठना शुरू हो जाता है। हर एक इंसान ये ज़रूर अनुभव करता है कि मैं औरों से अलग हूँ, और फिर वो सोचता है कि मैं शायद औरों से बेहतर हूँ। हर एक इंसान अपने दिमाग को सबसे तेज़ दिमाग समझता है, वो सोचता है कि मेरी समझ ज़्यादा है, औरों को तो शायद इतनी समझ नहीं, और फिर अहंकार के कारण
वो औरों को बताना भी चाहता है कि वो ज़्यादा अकलमंद है, और उसके साथ साथ क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा अकलमंद समझता है, जब चीज़ें उसके मुताबिक होती नहीं तो उसे क्रोध आ जाता है। जब उसे कुछ मिलता नहीं वो सोचता है मैं तो सबसे बेहतर हूँ, मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, उसे लोभ आ जाता है, ग्रीडीनेस। जब उसे कुछ मिल जाता है तो उसको जकड़ के पकड़ के बैठ जाता है कि ये मेरा है, सदमोह हो जाता है, और फिर एक ज़िंदगी जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरी वो इंसान जीना शुरू कर देता है। ये काल का ज़रिया है हमें पिता परमेश्वर से दूर रखने के लिए, क्योंकि प्रभु तो एक हैं, और जब हमारे अंदर द्वेत आ जाता है, क्योंकि जब भी अहंकार उठेगा तो हम सोचेंगे कि हम औरों से अलग हैं, हम उनसे बेहतर हैं, तो द्वेत आ गया। जहाँ द्वेत आ गया वहाँ पर पिता परमेश्वर से हमें दूरी मिल गई। कबीर साहब ने फरमाया कि जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं। कि जहाँ पर मैं अहंकार आ गया वहाँ पिता परमेश्वर नहीं मिल पाते, क्योंकि जहाँ पर पिता परमेश्वर है वहाँ पर अहंकार है ही नहीं। कि प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समय, कि प्रभु को पाने का रास्ता तो प्रेम का रास्ता है, प्रभु से प्रेम का रास्ता है, उसमें दो हो ही नहीं सकते, उसमें तो एक होने का सवाल है। तो क्योंकि काल ने हमारे अंदर वो जागृत कर दी हैं फीलिंग्स के हम अहंकार से भरपूर हैं, इस करके हम अपने आप को हर एक से अलग समझते हुए ये ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब तक हम अपने आप को उस अवस्था में नहीं पहुंचाएंगे जिसमें कि हम जाने के हम एक हैं, तब तक हम कभी भी इस धरती पर जीते हुए पिता परमेश्वर को और सदा सदा के सुख और आनंद की अवस्था को पा नहीं सकते। तो पहली चीज़ ये समझने वाली है कि इस दुनिया में बहुत सी अट्रैक्शंस हैं जो कि माया में हमें उलझा देती हैं,